नमस्कार, मिथिला देखो के ट्रेंडिंग मिथिला में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं दरभंगा से लेह लद्दाख के लिए स्पाइसजेट ने अपनी सीधी विमान सेवा शुरू की है। तो आइए जानते हैं फ्लाइट की शेड्यूल और प्राइसिंग के बारे में। जो व्यक्ति हमारे मिथिला देखो पेज पे या चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करें। दरभंगा एयरपोर्ट से खुशखबरी सामने आ रही है, जो कि आपको बता दें, दरभंगा एयरपोर्ट से सीधी विमान सेवा जो कि लेह लद्दाख के लिए शुरू होने वाली है। और वो कंपनी जो कि स्पाइसजेट प्रदाता कंपनी, जो कि अपनी विमान सेवा दरभंगा से लेह लद्दाख के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने जा रही है। जहाँ पे बात करें, शुरुआती दिनों में दरभंगा एयरपोर्ट से जो कि स्पाइसजेट की कंपनी ने अपनी विमान सेवा शुरू की थी, तो वहीं आज दरभंगा से लेह लद्दाख के लिए सीधी विमान सेवा जो कि दरभंगा एयरपोर्ट से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से सीधी विमान सेवा स्पाइसजेट जो कि 20 जुलाई से अपनी सेवा प्रदान करने जा रही है। और उसका किराया जो कि रखा गया है एक पैसेंजर का 7261 रुपये। अगर बात करेंगे फ्लाइट शेड्यूल के बारे में, तो बता दें कि लेह से दरभंगा पहुँचने में 4 घंटे 50 मिनट का समय जो कि जाएगा। पहले यात्री लेह से दिल्ली को आएंगे और वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से फिर दरभंगा को आएंगे। यहां पे टोटल टाइम की जो बात है वो करीब 4 घंटा और 50 मिनट लगेंगे। आपने जाना दरभंगा एयरपोर्ट से लेह लद्दाख के लिए सीधी विमान सेवा कब और किस टाइमिंग से शुरू होने जा रही है और प्राइसिंग के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।